नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज एक रोचक और प्रेरक कहानी लेकर आई हूँ आप सबके लिए, सुनिएगा। तो दोस्तों, हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता, इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकती। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपने मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीकांत बोला जी की। श्रीकांत बोला जो बचपन से ही ब्लाइंड हैं, आज 50 करोड़ रुपए की कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी वॉलेंट इंडस्ट्रीज़ के CEO के पद पर नियुक्त हैं। उन्होंने यह कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। हैदराबाद के श्रीकांत बोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपए थी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत जी का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पैदा होते ही उन्हें मार देने को कहा। लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ और ही था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद श्रीकांत ने 10वीं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई, बस फिर 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते थे लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरे करते ही अमेरिका के MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की। अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिए कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों की एक टीम से की। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार को लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत ने ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आने लगी, लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी के तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रीकांत कहते हैं, जब सारी दुनिया उनसे कहती थी वह कुछ नहीं कर सकते तो वह उनसे कहते थे वह सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं, उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया है। श्रीकांत कहते हैं, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखने से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको श्रीकांत बोला जी की स्टोरी?